भारत अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश का एक हॉटस्पॉट बनता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से चीन के हाथ भारत में ठंडे पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो चीन भारत में अपना थर्ड ग्रेड का माल बेचने में लगा था, उसका अब बोरिया बिस्तर सिमटना शुरू भी हो चुका है। ग्लोबल जायंट्स या तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं या लगाने के प्रोसेस में हैं। ये तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में सॉफ्टवेयर के फील्ड में भारत का दबदबा है, लेकिन अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी भारत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की फिराक में है। और भारत के इस सपने को रिलायंस कंपनी रफ्तार देने का काम कर रही है। दरअसल रिलायंस ने भारत को वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए रिलायंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड यानी कि RSBVL ने 1,670 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसके लिए उसने अमेरिकी कंपनी के साथ गठजोड़ किया है, जो भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने में मदद करेगा। यहां हम बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जॉइंट वेंचर स्थापित करने के लिए अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म सनवीना में $221 मिलियन के निवेश की योजना बनाई है। इस जॉइंट वेंचर में 50.1% हिस्सेदारी रिलायंस की होगी, जबकि 49.9% हिस्सेदारी सनमीना की होगी। और इसी की वजह से मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर को बल मिलेगा और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और हार्डवेयर स्टार्टअप के इकोसिस्टम का विकास हो सकेगा। ये जॉइंट वेंचर मार्केट और कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ ही साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य प्रणाली, रक्षा और एयरोस्पेस जैसे उद्योग के लिए उच्च तकनीक और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर हार्डवेयर तैयार करेगा। ये तो आप जानते हैं कि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत की वृद्धि और सुरक्षा की खातिर ये आवश्यक है कि टेलीकॉम, आईटी, डेटा सेंटर, क्लाउड, 5G, न्यू एनर्जी और अन्य उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के मामले में हम और आत्मनिर्भर हों। तभी तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगभग $7 बिलियन के इनिशिएटिव का भी ऐलान किया है। यहां भारत के लक्ष्यों के आगे चीन ही क्या, दुनिया भी झुक चुकी है, क्योंकि भारत ने पिछले 2 साल में जो उपलब्धि हासिल की है, उससे सबको ये पता चल चुका है कि भविष्य की डोर अब भारत के पास ही रहने वाली है।